इस तरह की बास्केट तो हम सबके पास होती हैं और ये टूट चुकी है और इसका कुछ हो नहीं सकता, यही सोच रहे थे सब लोग। लेकिन मैंने इसे बहुत अच्छा कुछ जुगाड़ लगाया है, मैं इसको फिर से किचन में यूज़ नहीं करूँगी। मैं इसमें आज बनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छा सा DIY। जी हाँ, जितने भी आपके पास पुराने कपड़े हों, साड़ियाँ हों, निकाल लीजिए, बस एक अच्छा सा यूज़फुल चीज़ बनाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको डोरी लेनी है या फिर लेगिंग को कट कर लीजिए इस तरीके से ताकि वो लंबी सी स्ट्रिप हो जाए, और इनको क्रिस क्रॉस करके पूरे में बांध लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, सारी डोरियों को इस तरीके से मैंने बांध दिया है और इसको अच्छे से टाइट कर लिया है। और आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, फ़िलहाल तो मेरे लिए इतना बहुत है। और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ये देखिए, मैंने एकदम टाइट इसको बांध दिया है। अब आपके पास कोई भी दुपट्टा हो, साड़ी हो, कुछ भी हो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास ये कुछ बचे खुचे साड़ी के टुकड़े हैं, इन्हीं से ही बनाऊंगी। और बहुत सारे कलर्स भी हैं तो एकदम कलरफुल बनेगा। और आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। और शुरुआत में आपको पिन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से नॉट बांध देंगे पिन से सिक्योर करके, और सबसे कॉर्नर में इस तरीके से देखिए इसको नॉट बांध देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सिक्योर सेंटर पॉइंट। नॉट बांधने के बाद आपको बस इस तरीके से करना है, एक बार नॉट बांध दीजिए, इसको पूरा सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद एक जो स्ट्रिप है छोड़ करके फिर हमको इस तरीके से निकालना है, एक ऊपर एक नीचे करके हमें पूरा इसको कवर कर लेना है। और जितना भी कपड़ा हो उसको बीच में सेंटर में कर दें ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए और सेंटर में अच्छे से टाइट हो जाए। कपड़े की बहुत लंबी स्ट्रिप मत लीजिएगा, छोटी स्ट्रिप लीजिएगा, और जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसमें दूसरी ऐड कर लीजिए, जैसे कि स्टार्टिंग में ज्वाइन करा था ठीक इसी तरीके से। तो मैं येलो लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर इसमें ऐड कर लेती हूँ कुछ और कलर, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये सारे कलर्स इसमें यूज़ करेंगे, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर येलो भी कंप्लीट कर लिया है, रेड भी यूज़ करा है, ग्रीन भी, और ग्रीन मेरे पास थोड़ा सा था, बाकी जितना भी है इसको फिल करेंगे ब्लू फैब्रिक से। अगर आपको बीच में डोरियां ढीली लग रही हैं तो आप इनको टाइट कर सकते हैं, बस नॉट को और टाइट करके इस तरीके से घुमा घुमा के, क्योंकि लूज नहीं होना चाहिए। तो जितना टाइट रहेगा उतना ही अच्छा आपका ये डोरमेट बनेगा। तो अब इसको पूरा कर लेते हैं कंप्लीट। तो ये देखिए, मैंने इसको पूरा फिल कर लिया है, और अब इसमें आपको जितने भी आपने नॉट लगाए थे ना, आप इनको कट कर लीजिए या फिर खोल लीजिए। तो मैं यहाँ पर फटाफट इनको कट कर लेती हूँ, और कट करने के बाद आपको इसको कट एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको खोल करके नॉट लगा लेनी है। तो आप चाहे तो ऐसे खोल लीजिए या फिर डोरी को कट कर लीजिए। और खोलने के बाद आपको इसी डोरी को ऐसे नॉट लगा लेना है ताकि ये फिर खुले ना, और ये बिल्कुल भी दिखेगा भी नहीं। आपको बस इस तरीके से खोल लेना है और डोरी को ऐसे बांध करके अंदर की ओर टर्न कर देना है, तो कोई भी नॉट नहीं दिखेगी। तो ये देखिए, छोटा सा क्यूट सा डोरमेट बन करके रेडी हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही फ्लफी है, और जो मेरा बास्केट का साइज़ था ना वो छोटा था। अगर आपकी बास्केट जितनी बड़ी होगी उतना ही आप बड़ा डोरमेट बना सकते हैं। थोड़ा सा कुछ और ऐड करेंगे, आप शॉपिंग बैग ले लीजिए, जो कैरी बैग होते हैं। तो जो भी कलर्स आप अपने रख में यूज़ करें उसको देखिए इस तरीके से स्क्वायर पीस को इस तरीके से फोल्ड करके आप ये हैंगिंग बना सकते हैं। तो इसे बहुत सुंदर लगता है, मैंने कई बार यूज़ करा है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैंने चारों तरफ ऑरेंज लगा करके दिखाया आपको,
आप इसमें मल्टी कलर्स लगा सकते हैं, जो जो कलर इसमें यूज़ हुए हों, ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो शॉपिंग बैग को भी आप यहाँ पे रीयूज़ कर सकते हैं, आप साड़ियों को भी रीयूज़ कर सकते हैं और अपनी पुरानी बास्केट को भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं सारी चीज़ों को रीयूज़ करने के। ये था सिंपल सा DIY जिसमें आप अपनी बास्केट को, कपड़ों को रीयूज़ करा है और एक सुंदर सा घर के लिए डोरमेट बनाया है। तो कैसा लगा आपको आज का ये सिंपल सा आइडिया बिना कटिंग बिना स्टिचिंग के? अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।